My dear all, I just sankar Just I am going to start a video about chapter Bholi, written by K a. Abbas. Very interesting chapter, and you know very well in your exam, uh, many questions are asked from this chapter. And easy to understand, easy to write, and uh, easily you can understand the chapter also. So first of all, you have to know about characters. upco characters को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब कैरेक्टर्स को आप जानते हो तब आप क्या करते हो आंसर को ईजिली राइट कर पाते हो ओके okay? सो so, भोली वन इज भोली भोली इज अ गर्ल एंड रामलाल रामलाल इज भोली फादर रामलाल भोली के पापा हैं वन इज भोलीज मदर बट भोली की मदर की नेम जो है इसमें मैंसन नहीं की गई कहीं भी सो यू डू नॉट हैव टू है इन दिस चैप्टर देर इज अ करेक्टर भोली मदर ऑल्सो ओके भोली इज ए स्कूल टीचर नेम इज़ नॉट मेंशन सो ओनली यू हैव टू कीप कीपुर मैंड भोलीज ए स्कूल टीचर ओके वन इज विशाम्भर विशाम्भर एंड रामलाल एंड भोली ये तीन का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है ओके सो विशाम्भर इज भोलीज प्रोस्पेक्टिव हसबैंड यानी जिनसे उनकी शादी होने वाली रहती है यदि यहाँ पर कैरेक्टर को आप क्लियर कर लेते हो जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा आंसर देने में तो आपने समझा कि भोली गर्ल का नाम है भोली का पापा का नाम रामलाल है एंड भोली का जो शादी होने वाली है उनका नाम विशाम्भर है ओके नो यू हैव टू नो अबाउट दिस चैप्टर इन जिस्ट ओके सो दैट इन समराइज वे यू कैन अंडरस्टैंड इंटायर चैप्टर ओके वेन यू आर गोइंग टू राइट आंसर देन दैट टाइम यू हैव टू Uh, write more and more, that means you have to answer according to marks. If you are getting in two marks, obviously you have to write in 20 to 30 or 30 to 40 words. Okay, and if you are getting a question and uh, marks mention is five marks, then you have to write one uh, in 120 to 150 words, like this. Okay, so first you have to know about gist. Bholi is the story of a village girl. हु वॉज डिस्क्रिमिनेटेड एज सी हैज पॉक मार्क्स पॉक मार्क मार्क्स यू हैव टू नोट डाउन ओके क्योंकि जब आप आंसर राइट right करोगे तो उससे क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है क्यों उसे सोसाइटी में इग्नोर किया जा रहा है क्यों इस चैप्टर में उसे हाईलाइटेड किया गया है तो पुक मार्क्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं ऑन हर फेस एस्टैमर्ड एंड वॉज कंसिडर टू बी अ सिंपल टर्न पोलिसफर्ड एंड अटैक ऑफ ए स्मॉल पॉक्स वेन सी वॉज जस्ट टू ईयर्स ओल्ड इन दार्टिंग आई टोल्ड अबाउट पोक मार्स मैंने पोक मार्स के बारे में स्टार्टिंग बता दिया अब आगे मैं बता रहा हूँ कि जब वो टू ईयर्स की थी तब उससे इस्मॉल पॉक्स हो गया था एंड यू नो कि इस्मॉल पॉक्स जब हो जाता है तो उसके स्किन पर जो माक आ जाते हैं जो धब्बे आ जाते हैं वो बहुत दिनों तक रहती है बहुत दिनों क्या बल्कि लाइफ बढ़ रहती है क्योंकि कभी हटती ही नहीं है ओके okay? तो ये तो सिंपली आप भी जानते हो तो उसी को प्रैक्टिकल में ले आते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी सी डैमेज अ पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन एंड व्हेन सी फेल ऑफ फ्रॉम द एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड दैट मीन्स इन विलेज एरिया इन फैमिली देन पर्सन्स ऑफ द विलेज एरिया पर्सन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फैमिली दे आर गोइंग टू कॉल हीम और डम्प कौ कहते हैं ना कि ऐसी गर्ल ऐसी पर्सन जो कि बोलने में बोलते ही नहीं रहते हो यानी बहुत ही कम बोलते हैं यानी कई बार पूछो तो थोड़ा सा बोलते हैं यानी अपने मन से कभी बोलने की आदत नहीं होती है तो ये जो आप इन्वर्टेड कॉरमा में देख रहे हो और डम्प कौ आप ये समझ जाना कि जिनको बोलने की आदत बहुत ही कम होती है बोलते है बहुत ही कम है जब जरूरत पड़े तब बोले और उसमें भी कम बोलती है Into First, of your एंड and गर्ल फर्स्ट सी एग्री टू मैनी एंड इक्वल मैथ विशाम भर जस्ट टू मैंटेन द ऑनर ऑफ द फैमिली हर एक घर में जो पापा होते हैं जो फादर होते हैं वो अपना इज्जत बनाने के लिए अपना इमेज बनाने के लिए सोसाइटी में फैमिली में या तो एरिया में कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण उनका इमेज अच्छा बना रहे विशाम्बर भी वही चाहता था कि उनके बच्चे के कारण उनका किसी तरह का इमेज डाउन ना हो और उनका रिस्पेक्ट पूरे मोहल्ले में पूरे एरिया में बना रहे हर फादर रामलाल फुट इवन हिज टर्बन एट फिट ऑफ ग्रीडी ब्रिग्रोम इट इज़ मैंसन हेयर कि रामलाल ने अपने पाग टर्बन में सोता है पाग जो कि माथे पर रखा जाता है बट यहाँ पर यदि मैं उसका मोरल बताऊँ तो यह हो जाता है कि उसका इमेज यानी उनकी जो मान सम्मान है जो इज्जत है ओके तो वह अपना क्या किया तो दूल्हे के पैर पर रख दिया बिकॉज आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो भेजा हूँ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब उन्होंने बारात लेकर आया था और वह डिमांड किया था डोरी का और वह डोरी कितना था फाइव ओके okay, आगे आपको उसमें भी मिल जाएगा ही एस एक्सेप्टेड टू मैरी अ गर्ल विथ पोक मास ओनली आफ्टर गेटिंग फाइव थाउजेंड रुपीज एज डेनि यानी भर ने बराती के साथ जब शादी के टाइम में उन्होंने फाइव थाउजेंड का डिमांड किया ओके okay, भोली सोर्ड द क्रेज ऑफ थ्रोइंग अवे एंड गार्लैंड इनटू द फायर और उसी समय भोली ने क्या कि जो गार्लैंड यानी जो फूल का माला पहनाने वाली थी वो फूल के माला को उन्होंने आग में फेंक दिया आग में फेंक दिया मतलब ये नहीं कि आग में जला दिया आग में फेंक दिया तो यहाँ मोरल क्या निकल गया कि सी इज गोइंग टू इग्नोर हिम ओके यानी विशां्बर को वो अब इग्नोर करने जा रहा है क्योंकि तो वो समझ गई कि विशां्भर जो है पैसे कारण ऐसे कर रहा है। भोली सोर द करेज ऑफ तो थ्रोइंग अवे सेरेमोनियल गार्ड इन टू द फायर सरफ यूज तो टू हैव अन ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल क्वार लाइक विशांभर नाथ एज हर हजबेंड वो समझ गई कि जिस तरह से उसमें जो लालची है जिस तरह से वो मतलबी है तो ऐसे विशाम्भर से शादी करना बिल्कुल उचित नहीं है ओके नो थिंग यू हैव टू नो आई टोल्ड इन स्टार्टिंग दैट आई विल से इच एंड एवरी थिंग इन वेरी शॉर्ट वे बट यू हैव टू गो थ्रू द एक्सप्लेनसन ऑल्सो बट इन शॉर्ट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड entire chapter if you having knowledge regarding entire chapter obviously that time you can remind you can uh, uh, go through the back where you have learned each and everything and you have to make your own answer okay so during the exam whenever questions are asked from the same chapter you will be able to write now theme of this chapter is the story explores theme of पैरेंटल पेरेंटलैक्ट निगलिजेंस टूअर्ड्स फिजिकली डिसेबल्ड डोरी, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एसर्सन जिस तरह से जिसमें मैंने बता रहा था कि अब जो है भोली शादी नहीं करना चाहती है तो वहाँ पे सवाल आया था जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था कि बोली कि माँ बाप बोले कि अब करोगे क्या तुम यदि शादी नहीं करते हो तो बेटी घर में रहती नहीं है देन दैट टाइम बोली टोल के लिए दैट आई विल लिव विद यू दैट मीन्स लिव विथ पेरेंट्स एंड आई विल सर्व यू मैं आपका सेवा करूँगी एंड इन विलेज स्कूल आई विल टीच व विज चिल्ड्रेन यानि उन्होंने ये भी बोली कि विलेज के स्कूल में ही विलेज जो के जो गाँव के बच्चे हैं उस विलेज के बच्चे को पढ़ाओगे नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट टाइटल इज गुड अप्रोप्रिएट ऑन नोट देन अबाउट टाइटल आई एम सींग टाइटल वोली इज फॉर प्रोटेगोनिस्ट इन द स्टोरी सी वॉज कॉल्ड भोली बिकॉज सी हाडमी लुकड अपॉन अन सेंस हर चाइल्ड हुड when she was 10 months old, she had fallen from uh, body disability and you can say some disease, you can say uh, due to disease, unable to understand each and everything. that means physically, mentally, she was not so good and some parts of her brain had been affected consequently.

इन साइड आर सोल सच यही होती है कि एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग जो हम बाहर से दिखते हैं जो हम बाहर में देखते हैं किसी के चेहरे से दिखते हैं किसी के फेस से दिखते हैं वही एक्चुअली सब कुछ नहीं होता रियल ब्यूटी लाइज इन साइड आर सोल जो वास्तविकता में जो सुंदरता होती है वो तो हमारे अंदर है ओके okay? तो सुंदरता हम कभी भी बाहर से नहीं देख लेते हैं सेल्फ एसेन एंड मिस्ट्रीटमेंट पैरेंट निगलेक्ट जिस तरह से भोली के मम्मी पापा ने उससे बचपन में पढ़ने नहीं दिया निग्लेक्ट किया आज भोली इतने समझदार हो गई कि हर एक बात को समझने के लिए वह तैयार है। होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा थैंक यू थैंक यू सो मच